हेलो फ्रेंड्स, आपने सोच के बहुत हैरान हो जाओगे कि आखिर भावियों को पटाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अगर आपको भावी पसंद है तो आप ऐसे क्या कर सकते हैं कि भावी भी आपकी दीवानी हो जाए। भावी को पटाने के ये तीन इशारे, वो तीन इशारे आखिर ऐसा क्या है। अगर आप नए हैं तो एक लाइक बनता है, आपका एक लाइक ना मुझे वीडियो बनाने पर काफ़ी मजबूर करता है, सपोर्ट करता है। दोस्तों, अगर शादीशुदा भावी आपको पसंद है, सपोज उनसे आप अपनी फीलिंग को फ्रेंकली शेयर कर रहे हो, उनसे बातें कर रहे हो और उनको देखने के बाद आप भी शर्मा रहे हो, और हाँ, आप कैसे समझोगे, आपके अंदर तो फीलिंग है कि आपसे वो पढ़ सकती है या नहीं। कई बार ऐसा ना हो कि भाभी का हस्बैंड आपको मारने के लिए दौड़ रहा है और आप पीछे से भाग रहे हो, या भाभी आपको गालियां दे रही है जब आप अपनी फीलिंग को शेयर करने जा रहे हैं। जब ऐसी हालात है ना, तो सोच समझ के सिचुएशन को खुद बनाएं। जैसे कि जब आपको देखती हैं तो भाभी कितना प्यार से बात करती हैं, उनका नेचर कैसा है, उनका बिहेवियर किस टाइप का है, वो कैसा रहना पसंद करती हैं। अगर कोई भाभी बहुत हॉट तरीके से रह रही हैं तो आसानी से आपसे इम्प्रेस हो सकते हैं, क्योंकि उनको भी एक सच्चा मित्र चाहिए होता है जो टाइम पास कर सके। क्योंकि देखो, शादीशुदा औरत ना शादी तो देखो करेगी नहीं, बहुत कम ही लड़कियां हैं जो आपसे दोबारा शादी करेगी, लेकिन हाँ, प्यार में कमी कोई नहीं करेगी, आपको बहुत प्यार करेगी, आपके साथ घूमेगी फिरेगी। लेकिन हाँ, आप सोच समझ के ही भाभी के रिलेशनशिप में जाएं, क्योंकि वो ऑलरेडी मैरिड है। ऐसा ना हो कि आपका लाइफ पॉपअट हो जाए। पॉपअट होने से आपके फैमिली वाले को भी पता लग जाएगा, इम्प्रेशन डाउन होगा, उसके बाद आप समाज में भी डाउन इम्प्रेशन बना सकते हैं। तो ऐसा करें कि रिलेशनशिप रखें, किसी को पता ना चले, प्राइवेसी। आप लव रिलेशनशिप भाभीयों के साथ रह सकते हैं, जब भाभी आपसे खुल के बात करे, आपसे बार बार बात करने के लिए टकराए, आपके पास बार बार बहाने से जाए, अगर आप कहीं खड़े हैं वहाँ जाए, या जोरों से ताने मारे, आपको देख के शर्माए, या व्हाट्सएप पे आपको कॉल करे, वीडियो कॉल करे, कभी घुमाने की बात करे, फिल्मी दुनिया ले जाने की बात करे, ओहो इससे बेहतर क्या हो सकता है। ऐसे में भाभी का ये इशारा काफ़ी होता है। अगर आप भाभी को शॉपिंग कराते हैं तो इससे भी बहुत ज़्यादा अच्छी बात हो जाती है, क्योंकि लड़कियों को ना बहुत मज़ा आता है शॉपिंग करने में। तो आप शॉपिंग करा सकते हैं, उनकी मेकअप किट दिलवा सकते हैं, उनकी खाने फेवरेट डिश भी खिलाकर आप उनको इम्प्रेस कर सकते हैं, अगर आपको कोई पसंद है तो। ऐसे में आप किसी लड़की को अपने लव लाइफ में एंट्री करवा सकते हैं।